मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेन वाटर का पाइप है। तो क्या है कि हमने पहले इस फ्लोर में पॉइंट भर दिया था। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट भरे हुए हैं, जो यहाँ पे टी लगी हुई है। और इस टी से इस टुकड़े को किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, ये आपको ये लग रहा होगा कि इसमें हम डी ज्वाइंट लगाएंगे, कोई ऐसा प्रोसेस करेंगे जिससे ज्वाइंट लगाएंगे। जी नहीं, हम इस ज्वाइंट को लगाएंगे। देख सकते हैं, ये इसे हम मान के लिए ये टुकड़ा हमें लगा दिया, ये टुकड़ा आपको दिख रहा होगा। तो इस टुकड़े को बीच में किस तरीके से ज्वाइंट करें, आज इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से क्लियर में समझाने वाला हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने मेजरमेंट ले लिया, पाइप को कट कर लिया, जो कि ये पाइप था, ये हमारा हमने मेजरमेंट लेकर के पाइप को रेडी कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पाइप का ज्वाइंट लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे पूरे अच्छे तरीके से मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस, जैसे ये टुकड़ा है, आप देख सकते हैं आपके सामने है, इस टुकड़े से बीच में ज्वाइंट किस तरीके से लगाया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कंप्लीट आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा कि इसका ज्वाइंट लगाने का तरीका क्या है, और बेस्ट ज्वाइंट होगा, लीकेज का 0% जो गारंटी होगी। तो आपको दिखाते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये ज्वाइंट लगाएंगे, इस तरीके की पाइप हमारी स्कीपर कंपनी भी बनाती है, स्कीपर पाइप। तो स्कीपर पाइप जो है CPVC और UPVC, PPR और अपने फ्लोर में डालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए UGD पाइप, जो कि स्पेशल ग्राउंड फ्लोर में डाला जाता है, और दीवार के अंदर जो खड़े करने वाली SWR पाइप, वो भी स्कीपर कंपनी तैयार करती है। और स्कीपर कंपनी फ्लोर के अंदर डालने वाले पाइप तो तैयार करती करती है, दीवार की फिटिंग भी तैयार करती है। और जैसे आपने घर में शावर लगाना है, शावर भी ये कंपनी बनाती है, जो स्कीपर पाइप है ये शावर भी बनाती है, उनको चलाने के लिए कंसील्ड भी बनाती है, और उसमें लगे हुए नल, जैसे हम नल लगाते हैं बाथरूम के अंदर, नल वगैरह, शावर वगैरह, टावर रिंग वगैरह, और अदर जैसे हम टॉयलेट सीट का डिब्बा बोल देते हैं, असिस्टेंट बॉक्स और सीट कवर वगैरह, ये भी हमारी स्कीपर पाइप कंपनी बनाती है। तो आप किसी भी रिटेलर से इस प्रोडक्ट को मंगाने के लिए आप कह सकते हैं, स्कीपर पाइप का जो भी प्रोडक्ट पूरे अच्छे तरीके से मैंने यूज़ करके देखा है। नेक्स्ट और वीडियो भी आपको मिलेंगी, जिसमें आपको अच्छे तरीके से उसका रिव्यू बताऊंगा, क्वालिटी कैसी है, कैसे उसका सारा जो सामान कैसे किस तरीके का है और क्वालिटी क्या है, आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगी। तो गाइस, ये हम क्या कर रहे हैं अभी, ये देखिए हमने पाइप कट कर लिया था। अब इसको हम गर्म पता कितना करेंगे, जैसे हमारा एक जॉइंट होता है उसको डबल ही गर्म करेंगे, यहाँ तक गर्म कर लेंगे पाइप को, और उसके बाद उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमारा पाइप का जॉइंट लगना था। तो आपके सामने मैं क्लियर दिखाऊंगा। क्योंकि ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म करना है, जिससे ये पाइप देखिए जो बैंड होना शुरू हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगा गर्म होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, तो आपको मैं पूरे अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। तो गाइस, ये इस चीज इसको पता क्या होता है, अगर हम ज्वाइंट लगाएंगे तो सॉकेट का जो कॉलर होता है उसका ऊपर को ही मुंह होना चाहिए, जैसे कॉलर ऊपर को हो। तो पूरे अच्छे तरीके से इसको गर्म करेंगे। तो गाइस, ये देख सकते हैं पाइप कितना नरम हो चुका है, इसको पूरे अच्छे तरीके से और कर लेंगे, देखिए। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने इस जगह पे, और गर्म गर्म पाइप कर रखा हमने। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे वाले पाइप को सोलवेंट लगा देंगे, ये देखिए, क्योंकि तो ज़्यादा समय ना मैंने आपका लिया नहीं, और अच्छे तरीके से सोलवेंट लगाएंगे और आपको जॉइंट अभी लगा करके दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमारा पाइप गर्म है, और यहाँ से हमने इस तरीके से इसको ऊपर को चढ़ाया, ये देखना, और अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इस स्पेस में हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट भर देंगे, और सॉल्वेंट गर्म गर्म पाइप में अच्छे तरीके से पहुंच जाएगा दोनों साइड से, पीछे से भी।
तो गाइस आपके सामने देखिए ये पाइप अभी गर्म है, यहाँ तक चढ़ गया है ये वाला भी। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, और ये ठंडा होने के बाद पूरे अच्छे तरीके से यहाँ से ये पकड़ हो जाएगी, जो कि पूरे अच्छे तरीके से हमने ये ज्वाइंट को लगा दिया है बिना किसी दिक्कत के, ना ही इसमें डी ज्वाइंट का यूज़ किया है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, एक छोटा सा एक ट्रिक आपको बताया, अगर आपको ज्वाइंट लगाने की दिक्कत तो होती है तो गाइस मुझे सांस चढ़ गया, क्योंकि मैं ये पाइप जो गर्म करके लाया हूँ ये फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, बेसमेंट से गर्म करके लाया हूँ, क्योंकि वहाँ हमारा रहना सहना है, तो वहीं से हमने गर्म किया और ऊपर तक आए हैं। तो गाइस ये हमारा ज्वाइंट हमने रेडी करके आपको दिखा दिया, आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो गाइस मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।